हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी लोग ठीक हो गए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में आपने एक वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो मैं वो चीज़ बताने जा रही हूँ कि जो मानसिक रूप से हम कैसे स्ट्रांग बने, माइंड से हम कैसे स्ट्रांग बने, तो मैं उसके बारे में कुछ मोटिवेशनल या कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ पे या अपने जो ज़िंदगी पे, जो हमारी हेल्थ पे थोड़ा सा असर करे। तो वो मानसिक रूप से हमने कैसे स्ट्रांग बनना है, मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आजकल गाइस पता क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ काम कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं या कोई चीज़ मतलब करके छोड़ देते हैं, तो गाइज़ वो पता क्या होता है, हम पहले जब वो काम हमारा सफल नहीं होता तो हम पता गाइज़ क्या कहते थे, यार नहीं अब मेरे से नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग है गाइज़, कोई भी काम करने से पहले अपने आप में हार मत मानो। जो भी काम शुरुआत कर रहे हो, अच्छे थिंग से, अच्छे दिल से, अच्छे तरह से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ लेके चलो कि ये काम मेरे लिए सही है। कब अगर बाई चांस वो काम आपका नहीं भी बना, तो प्लीज़ गाइज़ को अपने ऊपर हावी होने देना, क्योंकि अगर हम इस चीज में लेके चलते तो हम ये एक तरह के डिप्रेशन में हम चले जाते। सेकंड थिंग जो मानसिक रूप से जो हम बोलने जा रहे हैं, सेकंड थिंग ये है कि कई लोग ना मतलब अपना काम बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। तो ये भी है कि अपना गाइस कोई भी आप काम को लेकर चल रहे हो स्टार्टिंग से, अगर वो मतलब आपको बीच में नहीं दिल कर रहा है काम करने का या कुछ ऐसा है, तो वो गाइस ऐसा करो, आप उससे थोड़ा सा ब्रेक लो, काम वो काम मत छोड़ो, क्योंकि जब हम वो काम छोड़ देते हैं ना, वो चीज़ अपने आप ही नेगेटिविटी हमारी ना आ जाती है। तो जो काम स्टार्ट किया है अगर आपका नहीं मन लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद अगेन वो काम स्टार्ट कर दो। थर्ड थिंग ये है, हमने किसी की चीज़ें देख के जेलस नहीं करनी है, क्योंकि ये नहीं देखना भाई उसके पास पैसा है या उसके पास ये सब चीज़ें हैं या उसके पास फलाना दीवाना जो भी है कुछ है, ये चीज़ नहीं सोचना है। ये भी हमारे दिमाग पे बहुत गलत प्रभाव डालता है, बहुत ही गलत चीज़ें करने पे लगता है। और फोर्थ थिंग जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे चीज़ है नशा। आजकल की जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो मतलब उसको अच्छाई बुराई का सब पता होता है, पर कई बुराई चीज़ होती है जो फट से लग जाती है हमें। तो जो नशा है ना, जो हमारे शरीर को ना खराब करके रख देता, तो नशे से गाइस प्लीज़ दूर रहिए और अपने मानसिक को अपने स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। फिफ्थ थिंग ये है, बेफजूल की बातें, बेफजूल की गप्पे, बेफजूल की चीज़ों पर जिक्र करना, बेफजूल की चीज़ों पर मतलब खर्चा करना, या जो भी बेफिजूल की चीज़ों को छोड़कर कोई अच्छी चीज़ें करें जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि जो दिमाग से स्ट्रांग होता है, वो पर्सन अपने आप में ही स्ट्रांग होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस कुछ 3-5-6 बातें हैं जो हमारे माइंड को कैसे स्ट्रांग बने। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम अपना माइंड, अपना दिमाग, अपनी ये बुद्धि कोई अच्छी चीज़ में लगाए, कोई अच्छे विचारों में लगाए, कोई अच्छी चीज़ पढ़ने में लगाए, तो हमारा दिमाग का विकास बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है या कोई मतलब कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है गाइज, अगर आपको नहीं कुछ करना है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, जो आपके दिमाग को, जो आपकी जो ये चीज को जो घूमने को करता है, तो वो आपका स्टेबल रहेगा, वो सही रहेगा। ये भी चीज नहीं करनी है तो गाइस मेडिटेशन शुरू कर दो, उससे आपके माइंड खुद से लेके तन से लेके मन तक का पूरा 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 सही प्रयोग होगा। क्योंकि माइंड का स्ट्रांग होना बहुत ही है, अगर पर्सन माइंड से सही रहेगा तो उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। इस करके जो हमारी मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है या कोई भी दिमाग के रिलेटेड बीमारी है, तो गाइस इन सब चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों में जाएं, ताकि आपका माइंड स्ट्रांग रहे। माइंड स्ट्रांग रहेगा तो आपकी सारी चीज़ें स्ट्रांग रहेगी। आप क्या करना है, क्या
नहीं करना है, आप माइंड से बहुत अच्छे से फैसले ले सकते हो। तो गाइज ये छोटी सी टिप्स थी, करना टिप्स भी कुछ भी नहीं होते हैं गाइज, सिर्फ माइंड का खेल होता है। माइंड को बस ये हमने बताना होता है, हमने माइंड को हमने कमांड देनी, माइंड ना हमें कमांड दे, तो हमने अपने माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं देना, हमने उसको माइंड के ऊपर हावी होने देना है। तो गाइस ये छोटी सी टिप से, एक ही ट्रिक से आप अगर अच्छे ढंग से विचार करके करें तो सारी चीज़ें सही होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके बाय।